हेलो दोस्तों लेबनीज थ्योरम का अगला क्वेश्चन इफ वाई इज इक्वल टू ए काश लाग एक्स प्लस बी साइन लाग एक्स देन फाइंड वाई एन जीरो ये क्वेश्चन देखिए दो बार में पूछा गया है तो सबसे पहले वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में चाहिए जो कि दी है तो वाई इज इक्वल टू ए काश लाग एक्स प्लस बी साइन लाग एक्स एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद एक फंक्शन को इलिमिनेट करना होता है ठीक है तो वाई वन इक्वल टू फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वाई वन इक्वल टू ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस साइन लॉग एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स हो गया प्लस बी इंटू साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपान एक्स हमने बताया अपान में अगर कुछ आएगा तो उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कास लॉग एक्स ठीक है एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए इसको एक बार दोनों साइड फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए क्योंकि हमें इसे इलिमिनेट करना है इसे वाई के टर्म में लाना है एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स वी गेट तो लेफ्ट तो साइड में फंक्शन टू फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का तो डेरिवेटिव वाई वन का डेरिवेटिव वाई टू प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन इंटू सेकेंड फंक्शन वाई वन हो गया दिस इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कास तो माइनस ए कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस बी साइन लॉग एक्स माइनस बी साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपान एक्स अपान में अगर कुछ आए तो तुरंत मल्टीप्लाई कर लो तो मतलब एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन दिस इक्वल टू अब माइनस कामा ले लो तो ए काश लाग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स और इसकी वैल्यू किसके बराबर है वाई के बराबर है ठीक है वाई क्या था ए काश लाग एक्स प्लस बी साइन लाग एक्स तो ये बन गया वाई है ना तो माइनस वाई इधर ले लो तो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू जीरो देखिए फंक्शन एलिमिनेट हो चुका है है ना कौन सा फंक्शन ये जो लाग साइन के टर्म्स में दिया था ये एलिमिनेट हो गया एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाता है अब यहाँ पर हम लोग लेबनीज थ्योरम लगा सकते हैं लेबनीज थ्योरम क्या होती है लेबनिस थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन u और v x के फंक्शन हैं और वो प्रोडक्ट के में हैं तो उसका एनएथ डेरिवेटिव ये हो जाता है डी एन यू पहले में पहले का एन एथ डेरेविटिव इंटू वी प्लस एन सी वन इसका डेरिवेटिव कम करो यहाँ बढ़ा लो तो डी एन माइनस वन यू इन टू डी वी प्लस एन सी टू डी इसका डेरिवेटिव कम करो इसको बढ़ा लो अगला टर्म मिल जाएगा तो डी एन माइनस टू यू इंटू डी टू वी प्लस एन सी थ्री डी एन माइनस थ्री डी एन माइनस थ्री यू इंटू डी थ्री वी प्लस डाट डाट ये लेबनीज थ्योरम होता है ठीक है तो हम लोग लेबनीज थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे तो कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना है देखिए जो हमें प्रूफ करना है जो अच्छा वाई एन जीरो निकालना है तो जब वाई एन जीरो में हमें क्या निकालना होता है वाई एन प्लस टू की वैल्यू वाई एन प्लस टू की वैल्यू वाई एन के टर्म्स में निकालना होता है मतलब हमें डेरिवेटिव करना होता है वाई एन प्लस टू टाइम्स है ना तो अभी आपने दो बार डिफ्रेंशिएट कर लिया है एन टाइम्स और करिए तो डिफ्रेंशिएटिंग एन टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई यूजिंग लेबनि थ्योरम तो चलिए डी पावर एन से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो डी पावर एन वाई पहले लिखेंगे वाई टू इंटू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस डी पावर एन वाई पहले लिखो वाई वन इंटू एक्स प्लस डी एन वाई इक्वल टू जीरो अब लेबनिस थ्योरम लगाओ तो पहले वाला टर्म में तो ये ऐसे लिख जाता है एक साथ तो डी एन वाई टू इन टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन इसका डेरिवेटिव कम करो तो डी एन माइनस वन वाई टू इन टू इसका डेरिवेटिव करके लिख लो टू एक्स आ गया प्लस एन सी टू इसका एक और डेरिवेटिव कम करो तो डी एन माइनस टू वाई टू और फिर इसका डेरिवेटिव करके यहाँ लिख लो तो प्लस टू अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो नॉन जीरो टर्म इसमें लेबनिस थ्योरम लगाने के बाद नॉन जीरो टर्म इतने मिलेंगे उसके बाद फिर इसमें थ्योरम लगाओ तो प्लस ये हो जाएगा डी एन वाई वन इन टू एक्स प्लस एन सी वन इसका डेरिवेटिव कम करो तो डी एन माइनस वन वाई वन इन टू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो वन आ गया प्लस अगले में इसका अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा तो आगे टर्म जीरो मिल जाएंगे और प्लस डी एन वाई डी एन वाई का मतलब वाई एन हो गया दिस इक्वल टू जीरो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ जो पावर में है और ये सफिक्स ऐड कर लो और वाई के सफिक्स में लिख लो तो एन प्लस टू हो गया तो वाई एन प्लस टू इन एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू एन यहाँ पर जोड़ लो एन माइनस वन प्लस टू एन प्लस वन हो गया वाई एन प्लस वन आ गया है इन टू टू एक्स प्लस एन सी टू की वैल्यू एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल ये वैल्यू हो जाएगी वाई एन है ना वाई एन इंटू टू प्लस ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन की वैल्यू एन इंटू वाई एन है ना इसकी वैल्यू वाई एन प्लस वाई एन दिस इक्वल टू जीरो अब सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट करिए तो वाई एन प्लस टू वाई एन प्लस टू कितना है वाई एन प्लस टू अकेला है तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू प्लस वाई एन प्लस वन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो एक्स वाई एन प्लस वन कामन एक्स वाई एन प्लस वन कामन तो एक्स वाई एन प्लस वन कामन होते ही यहाँ से बचेगा टू एन प्लस वन टू एन प्लस वन प्लस, प्लस वाई एन कामन ले लो वाई एन कामन टू से टू कैंसिल हो गया एन स्क्वायर माइनस एन और प्लस एन और वाई एन प्लस वन तो प्लस एन प्लस वन एन एन कैंसिल हो गया एन स्क्वायर प्लस वन ये आ गया और तो एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो ठीक है इसमें एक्स इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लीजिए पुट एक्स इक्वल टू जीरो वी गेट तो एक्स जीरो रखते ही ये पूरा जीरो हो गया ये भी पूरा जीरो हो गया इसमें हो गया एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई जहाँ में रखना होगा तो उसको ब्रैकेट में रख के बाहर जीरो रख लेंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन जीरो है ना y को ब्रैकेट में करके बाहर जीरो रख लेंगे तो इसको आप में ले जाइए तो जीरो पान एन स्क्वायर प्लस वन जीरो हो जाएगा सो वाई एन प्लस वन जीरो इक्वल टू कितना हो गया जीरो तो एन एथ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो हो गई अच्छा क्वेश्चन था ये तीन बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है अच्छा क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा ठीक है थैंक यू